हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और दोस्तों आज की हमारी मूवी है पैन हसलर। यह मूवी एक बहुत ही अच्छी ट्रू क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है और साथ ही साथ दोस्तों ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित भी है। यह मूवी एक बहुत ही अच्छी ट्रू क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है और साथ ही साथ दोस्तों ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी भी है और इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 6.6 है। तो रेटिंग देखकर तो दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये मूवी कितनी अच्छी होने वाली है। इसलिए हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मूवी की शुरुआत में हम लीजा डेरेक नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी कार से उतरती है और लीजा अपने एक्स हस्बैंड से बात करते हुए अंदर जा रही थी। आगे लीजा उस बार के अंदर जाकर दूसरी लड़कियों के साथ पोल डांस करने लगती है। उसके बार में प्रीट बैनर नाम का एक आदमी भी बैठा हुआ था। तभी पीट के पास लीजा आकर बैठ जाती है और वो पीट से बात करने की कोशिश करने लगती है। तब लीजा कहती है, क्या तुम मेरे साथ कोई गेम खेलना चाहोगे? अगर मैं जीत गई तो तुम मुझे $10 दोगे। मैं तुम्हारी पहचान कर सकती हूँ कि तुम क्या काम करते होंगे। तब पीट कहता है, हाँ तुम ट्राई कर सकती हो, चलो बताओ मैं क्या करता हूँ। तब लीजा कहती है, तुम अभी यहाँ पर मौजूद हो, इसका मतलब है तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम तो बिल्कुल नहीं करते होंगे। मैं इंश्योरेंस वाला तुम्हें बोलना चाहती थी, पर तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू काफी अच्छी आ रही है। तुम्हारे कार की चाबी देखकर मैं गेस कर सकती हूँ कि तुम जरूर दवाई की कंपनी के लिए काम करते होंगे। पीट लीजा की यह बात सुनकर पीट लीजा से इम्प्रेस हो जाता है। पीट अपनी जेब से $10 का नोट निकालकर लीजा को देता है और वो लीजा से कहता है, क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? इस साल मैं तुम्हारी जेब में $1,00,000 डाल सकता हूँ। यह कहकर पीट लीजा को अपना कार्ड दे देता है। तभी बार में काम करने वाला एक आदमी लीजा को कहता है, तुम्हारा फोन आया है। आगे लीजा जल्दी जल्दी अपनी बेटी के स्कूल जाती है क्योंकि उसे स्कूल से ही कॉल आया था। फिर भी प्रिंसिपल से बात करती है। तब प्रिंसिपल कहती है, मैं आपको यहाँ पर नहीं बुलाना चाहती थी, पर आपकी बेटी ने काम ही कुछ ऐसा किया है। वो स्कूल में इनलीगल फायरवर्क्स लेकर आ गई और उसने उसकी फ्रेंड ने उन फायरवर्क्स को स्कूल के मैदान में जलाया भी। इसलिए अब हमें आपकी बेटी को 5 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड करना होगा। यह सुनकर लीजा अपनी बेटी फीबी को लेकर अपने घर चली जाती है। तब लीजा की बहन एंडी लीजा से कहती है, उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया और तुम उसे यहाँ पर लेकर आ गई। तुमने तो कहा था तुम यहाँ पर सिर्फ 1 वीक रुकोगी, लेकिन तुम्हें भी यहाँ पर रहते हुए 2 महीने बीत चुके हैं और अभी तो मैंने उन पैसों का जिक्र भी नहीं किया जो तुमने मुझसे लिए थे। तभी वहाँ बेटी लीजा की मॉम एंडी से कहती है, हम दोनों ही ट्राई कर रहे हैं कि हमें कोई अच्छा काम मिल जाए। तब एंडी कहती है, लीजा तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। यह सुनकर लीजा एंडी पर चिल्लाने लगती है और एंडी भी लीजा को उसके घर से निकलने के लिए बोल देती है। आगे लीजा अपनी बेटी को लेकर एंडी के घर से निकल जाती है और वो अपनी बेटी को लेकर एक मोटल में चली जाती है। मोटल एरिया में एंटर होते लीजा की गाड़ी भी खराब हो जाती है। आगे लीजा मोटेल रूम में जाकर अपना सामान जमाने लगती है और वो बाहर आती है तो उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ती है जो किसी आदमी से बात कर रही थी। लीजा दौड़कर अपनी बेटी के पास जाती है। तब तक उस आदमी की फैमिली भी घर के बाहर आ जाती है। उस आदमी की फैमिली में उसकी 2 बेटियां और उसकी वाइफ थी। तब उस लेडी की बच्ची भी लीजा को एक कंबल देने लगती है। तब उस बच्चे की मां लीजा को कहती है, प्लीज अभी के लिए ले लो। अब अगले दिन लीजा की कार को मोटेल से टो करके ले जाया जा रहा था। लीजा बहुत परेशान थी क्योंकि उसे उसकी बेटी का खर्च उठाना था और उसके पास कोई भी प्रॉपर जॉब नहीं थी। लीजा इस बारे में सोच ही रही थी तभी घर के अंदर उसकी मॉम आ जाती है और लीजा की मॉम लीजा को अपनी कार की चाबी देने का ऑफर करती है। ये देखकर लीजा अपने मॉम के गले लग जाती है क्योंकि उसे कार की बहुत जरूरत थी। आगे हमें जाना थेरेप्यूटिक्स कंपनी का सीन बताया जाता है। आगे हमें पीट को दिखाया जाता है जो उसी कंपनी में काम करता था और वो इन्वेस्टर को अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था। पीट कहता है, जल्दी हमारी कंपनी का आईपीओ आ जाएगा और ये इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। जाना नाम की इस कंपनी पर $80 मिलियन का कर्ज था, इसलिए कंपनी सरवाइव करने के लिए अच्छे इन्वेस्टर ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसी मीटिंग में डॉक्टर जैक नील भी बैठे हुए थे जो उस कंपनी के मालिक थे। पीट और वहाँ बैठे दूसरे एम्प्लॉय की बातें सुनकर वो इन्वेस्टर कहता है, देखिए मुझे नहीं पता आपकी ये दवा कितना असर करती है, लेकिन कोई भी डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है। इन्वेस्टर ये सब बोल ही रहा था तभी पीट को किसी का कॉल आता है। पीट देखता है तो ये कॉल लीजा का था। लीजा पीट के ऑफिस के बाहर आ चुकी थी और पीट भी ऑफिस रूम से उसे देख लेता है। पीट बाहर जाकर लीजा से मिलता है। तब लीजा कहती है, आपने मुझे जॉब का ऑफर दिया था। आगे पीट लीजा को अपने कैबिन में ले जाकर उसका रिज्यूमे देखने लगता है। पीट को पता लगता है कि लीजा के रिज्यूमे में ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसे ये जॉब दी जाए।
पेट लीजा से सवाल कर रहा था और लीजा के मुंह से एक ही बात निकलती है, प्लीज मुझे एक मौका दो। तब पेट कहता है, क्या तुम्हारे लैपटॉप में इसकी वर्ड फाइल है? लीजा पीट को अपना लैपटॉप दे देती है और पीट लीजा का रिज्यूमे चेंज कर देता है और वो रिज्यूमे में PhD लिख देता है। आगे पीट वो रिज्यूमे लेकर कंपनी के मालिक डॉक्टर नील के पास जाता है और उन्हें लीजा से मिलवाता है। तब लीजा ऑफिस में एक फोटो देखकर कहती है, क्या वो आपकी वाइफ की फोटो है? तब डॉक्टर नील कहते हैं, हाँ वो मेरी वाइफ थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे एक दिन पता चला कि उसे लीवर कैंसर था, इसलिए मैंने लोनाफेन नाम की दवाई विकसित की। तुम्हारा हमारी कंपनी में स्वागत है। तब लीजा डॉक्टर नील को थैंक्स कहकर पीट के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में लीजा को लार्किन नाम का आदमी रोकता है जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का वाइस प्रेसिडेंट था। तब लार्किन कहता है, हम तुम्हें सिर्फ $7.6 दे पाएंगे और ट्रेवल तुम्हें अपने साधनों से करनी होगी। अब तुम्हारे पास 1 वीक है अपने आप को साबित करने के लिए। लीजा पीट से कहती है, किस बात के लिए 1 वीक? पीट कहता है, तुम्हें डॉक्टरों को ढूंढना होगा, ऐसे डॉक्टर जो हमारी दवाई अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करे। लीजा कहती है, और अगर मैं ये नहीं कर पाई तो? पीट कहता है, तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। तब लीजा कहती है, इतने कम पैसों में मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी? तब पीट कहता है, लेकिन दवाइयां बेचकर जो तुम्हें कमीशन मिलने वाला है वो तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। तुम्हें पता है यदि तुम हमारे लिए एक बड़ा ऑर्डर लेकर आ गई तो तुम्हें कितना कमीशन मिलेगा? तकरीबन $40,000। लीजा कहती है, क्या मुझे पेमेंट साल का मिलेगा? पीट कहता है, साल का नहीं बल्कि महीने का। अब सब तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना अच्छा कमा सकती हो। अब अगले दिन लीजा सेल्स की जॉब के लिए डॉक्टर से मिलने जाने वाली होती है। तब उसकी कार में पीट और उसकी बेटी भी थी। पीट लीजा को सबसे पहले लैकलैंड पैन क्लिनिक पर ले जाता है और वो क्लिनिक के बाहर खड़े डॉक्टर को दिखाते हुए लीजा से कहता है, इस डॉक्टर का नाम नेथन लॉयड है, ये तुम्हारे लिए $9 मिलियन मैन है। आगे पीट और लीजा डॉक्टर नेथन लॉयड के सामने खड़े हुए थे और लीजा डॉक्टर नेथन को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उनकी दवाई कितनी असरदार है। तभी वहां पर एक दूसरी लड़की लॉरेन आ जाती है अपनी कंपनी की दवाई डॉक्टर को बेचने के लिए। लॉरेन लीजा की कंपनी की कॉम्पिटिटर थी। लॉरेन डॉक्टर नेथन को उनके केबिन में अपने साथ ले जाती है। पीट लीजा को वहां से चलने के लिए कहता है और लीजा कहती है, मुझे तो लग रहा था मैं बहुत ही अच्छी पीस दे रही थी। पीट कहता है, उसका कोई मतलब नहीं बनता, प्रेक्सियोम दवाई वालों ने डॉक्टर को खरीद लिया है। क्योंकि लॉरेन डॉक्टर को एक ऐसी लड़की की याद दिलाती है जिसके साथ हाई स्कूल में वो इंटीमेट हुआ था, इसलिए लॉरेन डॉक्टर को पटाकर अपने साथ ले गई। डॉक्टर नेथन के पास जाने के बाद लीजा कई सारे और डॉक्टर के पास जाती है पर कहीं से भी उसे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता। आगे लीजा एक डॉक्टर के क्लिनिक में डॉक्टर से मिलने का वेट कर रही थी। तभी उस क्लिनिक में मौजूद लीजा की बेटी अचानक नीचे गिर जाती है। तब लीजा अपनी बेटी को जाकर संभालती है और आगे वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है। तब डॉक्टर लीजा को फीबी की बीमारी के बारे में बताते हुए कहता है, फीबी के दिमाग के एक हिस्से में सूजन आ रही है जिससे ब्लड के दिमाग में पहुंचने में रुकावट आ रही है, इसलिए फीबी को बार बार दौरा पड़ता है। इस ट्यूमर को हम खोपड़ी को काट के या नाक के द्वारा निकाल सकते हैं। उसके बाद फीबी को 6 महीनों तक आराम करना होगा, दवाइयाँ लेनी होगी। अगले दिन लीजा अपनी बेटी को उसके एक्स हस्बैंड के पास छोड़ने जाने लगती है और लीजा फीबी से कहती है, सिर्फ 2 महीनों की बात है, मैं यहाँ पर अपना काम जमा लूंगी। तभी पीट लीजा को कॉल करता है और उसे कहता है, मैंने तुम्हारा आईपैड GPS चेक किया है, क्या तुम मुझे बताओगी तुम अपनी टेरिटरी से बाहर कहाँ पर जा रही हो? तब लीजा कहती है, सॉरी मैं अभी के लिए तुम्हारा काम नहीं कर पाऊंगी, मुझे फीबी के डैड के पास उसे सवाना छोड़ने जाना है। तब पीट कहता है, मैं वो सब कुछ नहीं जानता, तुम 5 बजे से पहले मेरे पास आओगी, मैं तुम्हें पैसा दे चुका हूँ, अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम पर कोर्ट केस करूंगा। पीट की ये सारी बातें सुनकर लीजा फोन रख देती है और आगे लीजा अपनी गाड़ी को डॉक्टर नेथन के क्लिनिक के बाहर खड़ा कर देती है। तभी लीजा की नजर डॉक्टर नेथन पर पड़ती है जो क्लिनिक के बाहर आकर सिगरेट पी रहे थे। लीजा अपनी बेटी को कहती है, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आती हूँ। लीजा डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर लीजा को देखकर कहता है, तुम तो वही लड़की हो ना जो दवाइयों के लिए पीस देने आई थी। लीजा कहती है, हाँ लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बार आपको पीस देने बिल्कुल नहीं आई हूँ, मैं अपना एक बॉक्स आपके क्लिनिक पर भूल गई थी, क्या मैं वो ले सकती हूँ? तब डॉक्टर नेथन कहता है, हाँ बिल्कुल। आगे लीजा डॉक्टर के क्लिनिक पर जाती है। तभी एक कैंसर पेशेंट की वाइफ डॉक्टर से बात कर रही थी। वो डॉक्टर से कहती है, दर्द निवारक के रूप में आपने जो लॉलीपॉप इसके मुंह में दिया है उसके कारण इसके मुंह में घाव बन चुका है और लॉलीपॉप के कारण यह हमसे बात भी नहीं कर पाता और इस मेडिसिन से इसको कोई असर भी नहीं हो रहा, इसको लगातार दर्द हो रहा है। तब वो पेशेंट कहता है, मैं यहाँ से किसी भी तरह बाहर जाना चाहता हूँ। उस पेशेंट की बात सुनकर डॉक्टर नेथन बाहर आ जाता है। लीजा भी उस पेशेंट और डॉक्टर नेथन की बातों को सुन रही थी और वो डॉक्टर नेथन से कहती है, आप उस पेशेंट की हेल्प क्यों नहीं करना चाहते?
लॉलीपॉप चूसते चूसते उस पेशेंट के मुंह के अंदर घाव बन चुका है। जो ये दवाई असर करती है वही लोनाफेन भी करती है, तो आप उन्हें लोनाफेन प्रेस्क्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? लेजा और डॉक्टर की सारी बातें उस पेशेंट की वाइफ भी वहाँ पर खड़े होकर सुन रही थी। और केट नाम की वो लेडी कहती है, डॉक्टर ये क्या बोल रही है? तब डॉक्टर केट और पेशेंट को अपने केबिन में बुलाकर कहता है, लोनाफेन रासायनिक रूप से वही दवाई है जो अभी आप ले रहे हो। यह जल्दी असर करेगी और आपके मुंह में छाले भी नहीं होंगे। क्या आप अपनी दवाई बदलना चाहते हो? तब वो पेशेंट कहता है, मुझे नहीं पता, पर मैं हमेशा इस लॉलीपॉप को अपने मुंह में नहीं रख सकता। यह लॉलीपॉप मुझे डरा हुआ महसूस कराती है कि मैं बीमारी से डर रहा हूँ, पर मैं अपने बच्चों के साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। आगे डॉक्टर नेथन अपनी दवाइयों का ऑर्डर लिखकर लीजा को देता है। आगे लीजा अपने ऑफिस जाती है जहाँ पर सेल्स बढ़ाने के लिए सभी मीटिंग कर रहे थे। लीजा को देखकर पीट कहता है, काफी अच्छी लग रही हो, क्या चल रहा है? तब लीजा कहती है, कुछ नहीं, मुझे पहला ऑर्डर मिल चुका है। डॉक्टर नेथन लाइडेन ने मुझे पहला ऑर्डर दिया है। तब कंपनी में काम करने वाली मेल चेक करती है और वो कहती है, हमें 100 माइक्स का ऑर्डर मिला है, ये तो काफी बड़ी डील है। तब वही खड़ा लार्किन कहता है, क्या उसने तुमसे कहा है कि आगे वो ओल्ड लोनाफेन ऑर्डर करेगा? लीजा कहती है, हाँ उसने कहा है कि वो स्पीकर प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहता है। आगे पीट हमें समझाते हुए कहता है, स्पीकर प्रोग्राम मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत ही डर्टी वर्ड है, यानी हमें डॉक्टर्स को अपनी दवाई प्रिस्क्राइब करवाने के लिए उन्हें छुट्टी पर भेजना पड़ता है और उनका खर्च उठाना पड़ता है, और उसके बाद वो हमारी दवाई अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करने लगते हैं। स्पीकर प्रोग्राम के बारे में सुनकर लार्किन कहता है, होटल फ्लाइट्स इन सब का खर्चा हम नहीं उठा सकते। तब लीजा कहती है, इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं, हमें एक छोटी सी पार्टी होस्ट करनी है। तब लार्किन ये करने से मना कर देता है और दवाइयां बेचने के एवज में पीट लीजा को $800 का चेक देता है। आगे लीजा और पीट डॉक्टर नेथन के लिए होटल में एक छोटा गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करते हैं। लीजा होटल में जाती है तो वो देखती है वहाँ पर कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। लीजा पीट से कहती है, और डॉक्टर्स कहाँ पर है? पीट कहता है, कुछ डॉक्टर्स नहीं आए और कुछ लोगों को लग रहा था शायद हम कोई मजाक कर रहे, और मैंने डॉक्टर नेथन को भी कॉल किया, वो थोड़ा लेट आएंगे। तब लीजा कहती है, हमने फूड ऑर्डर कर दिया है, हम पैसों को बर्बाद नहीं होने दे सकते। आगे लीजा होटल के बाहर जाती है और वहाँ पर डॉक्टर्स के बारे में पूछती है। तब लीजा को बाहर दो डॉक्टर मिल जाते हैं और वो उन्हें फ्री फूड और फ्री ड्रिंक का ऑफर देकर उन्हें अपने साथ ले आती है। आगे डॉक्टर नेथन भी वहाँ पर आते हैं और वो सिर्फ 3 लोगों को वहाँ पर देखकर गुस्से से वहाँ से जाने लगते हैं। लीजा डॉक्टर नेथन को मनाकर खाना खाने के लिए राजी कर लेती है और डॉक्टर नेथन भी खुशी खुशी उनके साथ डिनर करने लगता है, और उसके बाद वो स्टेज पर जाकर सॉन्ग भी गाता है। आगे डॉक्टर नेथन लीजा को अपने बारे में बता रहा था, तभी पीट उनके सामने $1,000 का चेक रख देता है और पीट कहता है, हम आपको हर प्रोग्राम के $1,500 देंगे और हफ्ते में 3 प्रोग्राम होंगे, बदले में आपको आपके कैंसर पेशेंट को हमारी दवाई लिख कर देना होगी। इस डील को डॉक्टर नेथन इनकार नहीं कर पाता और वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। नेथन के जाने के बाद लीजा पीट से कहती है, हम उसे $4,500 कहाँ से देंगे? क्या ये सही है पैसा देकर उसके पेशेंट को अपनी दवाई दिलवाना? पीट कहता है, यदि हम नहीं देंगे तो कोई और कंपनी देगी, बिना लिमिट क्रॉस करे हम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम बस कोई भी चिंता मत करो, तुमने अभी अभी हमारी कंपनी को बचाया है। अब अगले दिन लीजा बच्चों को खेलते हुए देख रही थी, तभी वहाँ पीट आ जाता है और पीट लीजा को डेटा बताते हुए कहता है, डॉक्टर नेथन तो लोनाफेन ऐसे प्रिस्क्राइब कर रहा है जैसे कोई आग लग गई हो, वो 3 दिनों में 40 कैंसर पेशेंट की दवा बदल चुका है। आगे पीट लीजा को एक गिफ्ट देता है और उसे कहता है, तुम इस साल $1,00,000 नहीं कमाओगी, तुम्हारा कमीशन $6,00,000 से ज्यादा हो जाएगा। पैसा मिलने के बाद लीजा अपनी माँ के पास जाती है और लीजा अपनी मॉम को एक कार गिफ्ट करती है, जिसे देखकर लीजा की मॉम बहुत खुश होती है। लीजा अपनी बहन एंडी को भी उसका दिया हुआ उधार सूद समेत लौटा देती है। आगे पीट और लीजा अपने ऑफिस में थे, तभी वहाँ पर लार्किन आता है और वो उन दोनों से कहता है, मेरे मना करने के बाद भी तुम दोनों ने स्पीकर प्रोग्राम अरेंज करवाया, चलो अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ, तुम दोनों ने हमारी कंपनी की इज्जत खराब कर दी। तब पीट कहता है, हमारी कंपनी की तो कोई इज्जत थी भी नहीं, हम लोग खत्म होने वाले थे, लेकिन स्पीकर प्रोग्राम रखाकर हमने एक हफ्ते में इस कंपनी को $2,00,000 कमा कर दिए है। यह सुनकर लार्किन कंप्यूटर में डेटा देखता है और वो शॉक रह जाता है। यह देखकर लार्किन कहता है, कोई बात नहीं, तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है, मैं जाकर फाइल तैयार करता हूँ। पीट कहता है, यानी हमारे काम का क्रेडिट तुम लेने वाले हो। तब लीजा कहती है, हमने सीनियर से पहले ही बात कर ली है, उन्हें भी हमारे काम से कोई दिक्कत नहीं और उन्होंने हमें साउथ ईस्ट रीजन में काम करने की इजाजत भी दे दी है, अब हमें और ज्यादा स्टाफ की जरूरत है, वो देखो बाहर स्टाफ भी आ चुका है। लार्किन बाहर देखता है तो बाहर कई सारी लड़कियां इंटरव्यू देने के लिए आ गई थी। तब पीट और लीजा उन सभी लेडीजों का इंटरव्यू लेने लगते हैं, पर किसी का भी एजुकेशन उस जॉब के लायक नहीं था,
पर सभी लेडीजों की अपनी अपनी कहानी थी, उनकी काफी सारी मजबूरी थी। कोई अपना खर्चा उठाने के लिए जॉब करना चाहता था, तो कोई अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई देने के लिए। इंटरव्यू देने के लिए लीजा की मॉम भी आती है। तब पेट लीजा से कहता है डॉक्टर जेक का रूल है कि उन्हें पीएचडी होल्डर ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सब पागल हारे हुए और दुखी लोग आए हैं। पेट उन सभी लोगों के रिज्यूमे पर पीएचडी लिख देता है और अपने ही बॉस को धोखा देकर उन्हें जॉब दिलवा देता है। आगे लीजा उन सभी लोगों को मोटिवेट करती है कि यदि हमें मैदान जीतना है तो डॉक्टर का मन जीतना होगा और उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे। आगे लीजा और पीट की टीम सभी डॉक्टरों से जाकर मिलने लगती है और वो सभी डॉक्टर्स को पैसों का लालच देकर या दूसरे तरीकों से उन्हें खुश कर अपनी मेडिसिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में लिखवाने के लिए कामयाब हो रही थी। डॉक्टर भी लीजा की कंपनी के ऑफर से काफी खुश थे क्योंकि उससे उन्हें पैसा भी मिल रहा था और साथ ही साथ लीजा की टीममेट्स उन्हें हर तरह से खुशी दे रही थी। डॉक्टर के साथ वक्त गुजारकर डॉक्टर को पार्टीज में ले जाकर डॉक्टर के कुत्ते घुमाकर उनका रॉक कॉन्सर्ट सुनकर और जरूरत पड़े तो डॉक्टर के साथ इंटीमेट होकर भी लीजा के टीममेट्स ऑर्डर लेकर आ रहे थे क्योंकि उन्हें डॉक्टर को मरीजों को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवाने के लिए बहुत मोटा पैसा मिल रहा था। लीजा की टीम जल्द ही बहुत कामयाब हो जाती है। वो एक ही क्वार्टर में साउथ ईस्ट रीजन के 86% मार्केट को कवर कर लेते हैं और लीजा की टीम इस अचीवमेंट के लिए डॉक्टर नील के साथ सेलिब्रेट करती है। आगे लीजा डॉक्टर से मिलने के लिए वेट कर रही थी तभी उनकी कॉम्पिटिटर लॉरेन वहां आ जाती है और लॉरेन लीजा से कहती है तुम तो बहुत खुश होगी क्योंकि तुमने सभी मेरे डॉक्टर मुझसे छीन लिए, तुम बस एक मजाक बनकर रह गई हो, तुम डॉक्टर्स को स्ट्रिप क्लब ले जा रही हो। तभी डॉक्टर बाहर आ जाता है और लीजा उन्हें लेकर उनके केबिन में चली जाती है। आगे प्रेक्सियम बेचने वाली लॉरेन भी डॉक्टर के साथ एक होटल में मीटिंग कर रही थी। लॉरेन वहां स्पीच दे ही रही थी तभी वहां पुलिस आ जाती है लॉरेन को पकड़ने के लिए क्योंकि लॉरेन की कंपनी हर दर्द के लिए डॉक्टर से अपनी दवा प्रिस्क्राइब करवा रही थी, यानी सर दर्द, पेट दर्द, जोड़ों के दर्द तक के लिए भी कैंसर दर्द निवारक फेंटालिन मेडिसिन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब करवाई गई। पर इस क्राइम के लिए कोर्ट ने किसी को भी जेल नहीं भेजा। जज ने प्रेक्सियम मेडिसिन से छोटा मोटा फाइन लिया और 5 साल के लिए प्रेक्सियम मेडिसिन पर डॉक्टर को पटाने के लिए बैन कर दिया। आगे लीजा अपने लिए एक बहुत ही अच्छा घर खरीद लेती है जिसे देखकर उसकी बेटी बहुत खुश होती है। आगे पेट और लीजा चाना कंपनी के मालिक डॉक्टर जेक नील को अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे। पेट कहता है पिछले क्वार्टर में ही हमने $96 मिलियन कमाए, वो भी सिर्फ साउथ ईस्ट रीजन में। इसका मतलब हुआ स्पीकर प्रोग्राम बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तब वहीं बेटा लार्किन कहता है वैसे लीजा मेरे पास तुम्हारा असली बायोडाटा आया है, तुम्हारे एक्स हस्बैंड के पास से। उसके हिसाब से तुम कभी कॉलेज नहीं गई और तुमने 12वीं भी पास नहीं की। और ऐसा कहकर लार्किन लीजा की बायोडाटा फाइल को डॉक्टर नील के टेबल पर पटक देता है। तब डॉक्टर नील लार्किन से कहते क्या तुमने ये फाइल मेरे मुंह पर फेंकी। तब लार्किन कहता है मैं तो बस आपको सच बता रहा था। तब डॉक्टर नील कहते सच तो ये है तुम मेरे सामने लीजा की बेइज्जती कर रहे हो, लीजा ड्रेक ने हमारी इस कंपनी को बचाया है। डॉक्टर नील लीजा के पास जाकर कहते लीजा आज से तुम इस कंपनी की सेल्स डायरेक्टर हो और पीट तुम हमारी कंपनी के नए सीईओ हो। यह कहकर डॉक्टर नील वहां से चले जाते हैं। तब पीट कहता है लार्किन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें मेरे अंडर में काम नहीं करना पड़ेगा, मैं ही तुम्हें जॉब से निकालता हूँ, तुम भाड़ में जाओ। यह सुनकर लार्किन वहां से चला जाता है और पीट और लीजा दोनों बहुत खुश होते हैं। आगे जाना फार्मा कंपनी का आईपीओ लाया जाता है और 3 दिन में ही जाना फार्मा कंपनी 400% प्रॉफिट बनाकर पूरे देश में तहलका मचा देती है और जाना कंपनी देश का नंबर 1 आईपीओ बन जाती है। लेकिन कंपनी के मालिक डॉक्टर नील के सर पर यह सक्सेस चढ़ गई थी। एक दिन ऑफिस में आकर डॉक्टर नील अपने जूते उतार देते हैं और वो ऑफिस में मौजूद सभी लोगों से कहते हैं मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो हमारे ऑफिस का फ्लोर कितना गंदा हो चुका है, इसलिए आज से हम जेना फार्मा में अपने जूते उतार कर काम करेंगे। और ऐसा कहकर डॉक्टर नील ऑफिस में मौजूद सभी लोगों को अपने जूते उतारने के लिए कहते। आगे पेट और लीजा डॉक्टर नील के साथ मीटिंग कर रहे थे। तब डॉक्टर नील कहते मुझे लगता है कंपनी में स्पीकर प्रोग्राम को इजाजत देना सिर्फ और सिर्फ फिजूल खर्ची है। यह सुनकर वही बेटा कंपनी का सीईओ एरिक पीली कहता है सर मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा जब पेट और लीजा ने डॉक्टर्स को पर्ची पर दवाई लिखने के लिए घूस देना शुरू किया आप जानते हैं उस वक्त भी मैं इसके खिलाफ था। पेट गुस्से से एरिक के पास जाता है और उसका मोबाइल निकालता है तो एरिक के मोबाइल में वो सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। ये देखकर पेट एरिक को मारने लगता है और उसके लैपटॉप और मोबाइल को तोड़ने लगता है। आगे एरिक डॉक्टर नील को कहता है मैं बस अपने लिए प्रूफ इकट्ठा कर रहा था, मैं पुलिस के साथ मिला हुआ नहीं हूँ। एरिक बहुत डर रहा था कि यदि एफबीआई ने उनकी कंपनी पर रेड की
और उनकी कंपनी में किसी ने मुंह खोल दिया कि वो डॉक्टर्स को उनकी कंपनी की दवाई प्रिस्क्राइब करवाने के लिए घूस देते हैं, तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता था। इसलिए एरिक सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था ताकि वो अपने आप को बेगुनाह साबित करके लीजा और पीट पर सारा इल्जाम डाल सके। एरिक अपने किए के लिए डॉक्टर नील से माफी मांगता है, पर डॉक्टर नील उसे माफ नहीं करते और एरिक अपने 3,20,00,000 के शेयर कंपनी को वापस बेचकर मजे करता है। अब आगे मूवी में कंपनी की सक्सेस पार्टी रखी जाती है जिसमें सभी लोग मौजूद थे। पार्टी में ही डॉक्टर नील भी मौजूद थे। तभी उनके पास लीजा की मॉम आकर उन्हें डांस के लिए इनवाइट करती है। डॉक्टर नील भी लीजा की मॉम के साथ डांस करते और बाद में वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उस पार्टी के बाद डॉक्टर नील और ज्यादा अजीब हरकत करने लगे। लीजा और पीट दोनों डॉक्टर नील से मिलने उनके घर जाते हैं, पर उनसे मिलने से पहले सिक्योरिटी गार्ड उनसे मोबाइल और गैजेट बाहर ही रखवा लेते हैं और वहां भी उन्हें जूते उतारकर अंदर जाना पड़ता है। और डॉक्टर नील उन दोनों से मिलकर कहते हैं, हमारी सेल्स बिल्कुल नहीं बढ़ रही, हमारे सेल्स का ग्राफ फ्लैट चल रहा है, हमें हमारी मेडिसिन को लेकर दूसरा दावा करना चाहिए। दुनिया में कई सारे दर्द है, किसी की किडनी में स्टोन का दर्द है, किसी ने ऑपरेशन करवाया है तो उसे उसका दर्द हो रहा है, किसी के हाथ पांव में, किसी के घुटनों में दर्द है और हम डॉक्टर को बोल रहे कि हमारी दवाई तभी लिखो जब किसी कैंसर पेशेंट को दर्द होता है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब लीजा बोलने की कोशिश करती है क्योंकि हमें इसी की इजाजत मिली है, लेकिन पीट लीजा के बात को काटते हुए कहता है, डॉक्टर नील बिल्कुल सही बोल रहे, दर्द तो दर्द होता है और हम हमारी दवाई हर दर्द के पेशेंट को प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। यह सुनकर लीजा कहती है, क्या अब हम लोग इल्लीगल तौर से दवाई बेचेंगे। लीजा को लॉरेन की याद आती है जिसने प्रेक्सियम कंपनी की दवाई को हर मरीज को देना स्टार्ट करवा दिया था और बाद में उसे पुलिस ने पकड़ लिया था और उनकी कंपनी पर फाइन लगा दिया था। तब डॉक्टर नील पीट से कहते, तुम बाहर जाओ, मुझे लीजा से कुछ बात करनी है। आगे डॉक्टर नील एक गिफ्ट निकालकर लीजा से कहते, यह मुझे तुम्हारी मॉम ने भेजा है, तुम अपनी मॉम को समझाओ कि वो दोबारा से मुझे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल ना करे। तुमने इनलीगली तौर पर उसे जॉब पर रखा है, उसे जॉब से निकाल दो और इन पेपर्स पर तुम्हारी मॉम के साइन लेकर आओ। आगे लीजा अपनी मॉम को उन पेपर पर साइन करने के लिए कहती है। तब लीजा की मॉम कहती है, मैंने ऐसा क्या गलत किया, बस मैंने उनसे अपना कमीशन बढ़ाने के लिए कहा था। तब लीजा कहती है, आपने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, आपने सोचा बिलियनियर बुड्ढे को पटाकर मैं भी बिलियनियर बन जाऊंगी। ये सारी बातें सुनकर लीजा की मॉम के आंसू निकलने लगते है और वो उन पेपर्स पर साइन कर देती है। आगे लीजा डॉक्टर नेथन से जाकर मिलती है और लीजा डॉक्टर नेथन से कहती है, हमारी कंपनी चाहती है कि आप हर दर्द के लिए हमारी दवाई प्रिस्क्राइब करें। तब डॉक्टर नेथन कहता है, मैं ये कर दूंगा, पर मुझे 25% कमीशन चाहिए होगा जितनी भी दवाई मैं पेशेंट को प्रिस्क्राइब करूं। दूसरी तरफ मैट नाम का आदमी जो डॉक्टर नेथन का पेशेंट था, डॉक्टर नेथन ने उसे लोनाफेन प्रिस्क्राइब की थी और मैट अपने कैंसर के दर्द को मिटाने के लिए अधिक मात्रा में लोनाफेन लेने लगा था। मैट जहां पर जॉब करता था वहां पर वो एक कस्टमर से बात कर रहा था। कस्टमर से बात करते करते मैट के हाथों में उसके दो दांत टूटकर आ जाते हैं। लोनाफेन के ओवरडोज के कारण उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। दूसरी तरफ लीजा अपनी बेटी फीबी का परफॉर्मेंस स्कूल में देखने जाती है, पर डांस करते करते फीबी को दौरा पड़ता है और वो नीचे गिर जाती है। लीजा डॉक्टर के पास जाती है, तब डॉक्टर कहता है, पिछली बार की तुलना में ये ट्यूमर और बड़ा हो चुका है, हमें जल्दी फीबी का ऑपरेशन करना होगा। लीजा को फीबी के इलाज के लिए कैश की जरूरत थी जो उसके पास ज्यादा नहीं था। तब लीजा लोन लेने के बारे में पता करती है। वो एजेंट से कहती है, मुझे $4,50,000 का लोन चाहिए, मेरे पास हमारी कंपनी के कुछ शेयर पड़े हैं जो तकरीबन $1,50,000 के हैं, क्या मैं उन्हें यहाँ पर गिरवी रख सकती हूँ, ये शेयर मैं नवंबर से पहले नहीं बेच सकती इसलिए मुझे लोन लेना पड़ रहा है। तब वो एजेंट कहती है, हम शेयर को गिरवी नहीं रख सकते क्योंकि फार्मा स्टॉक अनस्टेबल होते हैं। आगे हमें डॉक्टर नेथन को बताया जाता है जो अपने क्लिनिक पर आते हैं और तभी वहां पर डॉक्टर नेथन के पेशेंट मैट की वाइफ आकर डॉक्टर नेथन को एक जोरदार पंच मारती है और वो कहती है, तुझे मैट एलिसन याद है, आज सुबह वो दवाई के ओवरडोज से मर जाता, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली, मैं तुझे कोर्ट में लेकर जाऊंगी। डॉक्टर नेथन के पेशेंट मैट की हालत बिगड़ गई थी और वो नीचे गिर गया था। आगे डॉक्टर नेथन अपने केबिन में जाते तब उनके केबिन में एक पेशेंट बैठा हुआ था और वो डॉक्टर नेथन को कहता है, मेरे मुंह में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तब डॉक्टर नेथन कहते हैं, मैं तुम्हें दूसरी दवाई लिख कर देता हूँ, ये दवाई कैंसर पेशेंट के लिए होती है। डॉक्टर उस आदमी को दवाई लिख कर देता है, तभी क्लिनिक के बाहर पुलिस आ जाती है और डॉक्टर के सामने जो आदमी बैठा हुआ था वो भी पुलिस का बेच पहन लेता है। एक्चुअल में वो आदमी एक पुलिस वाला ही था जो पेशेंट बन के आया था। पुलिस ने डॉक्टर नेथन को रंगे हाथ पकड़ लिया था और पुलिस उन्हें अपने साथ ले जाने लगती है, मामूली से दर्द के लिए कैंसर की दवाई लोनाफेन लिखने के लिए।
डॉक्टर नेथन के गिरफ्तार होने के बाद लीजा डॉक्टर नील और पेट को बताती है। यह सुनकर पेट कहता है यह अच्छा नहीं हुआ, लेकिन यदि हम हमारी मेडिसिन के डिस्क्रिप्शन में मैसेज बदल देंगे तो हर डॉक्टर को पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना आसान हो जाएगा। तब लीजा कहती है और जो पेशेंट हमारी दवाई खाकर मर रहे उनका क्या? डॉक्टर नील कहता है उसमें हमारी कोई गलती नहीं, हमारे वकीलों का कहना है कि हमारे पेशेंट्स और भी दवाई ले रहे थे इसलिए साबित नहीं हो पाया कि वो हमारी दवाई से मर रहे। पीट का कॉल आता है और पीट वहां से निकल जाता है। आगे लीजा अपने घर में थी तभी उसे पहले मोटल में अपने पड़ोस में रहने वाली कमिला के हस्बैंड की याद आती है जिसे उसने डॉक्टर नेथन के क्लिनिक में देखा था, वो भी अपना हाथ का इलाज करवा रहा था। कमिला की बेटी ने लीजा की बेटी को एक कम्बल दी थी। लीजा वो कम्बल लौटाने और कमिला के हस्बैंड का हालचाल पूछने उसके घर जाती है, पर दरवाजा खोलते ही कमिला की बेटी लीजा को देखकर रोने लगती है और ये देखकर लीजा समझ जाती है कि कमिला के हस्बैंड की भी ड्रग ओवरडोज के कारण डेथ हो गई। कमिला बाहर आती है तब लीजा उसे गले लगाकर रोने लगती है, पर कमिला लीजा को बिना कुछ कहे घर के अंदर चली जाती है। लीजा को बहुत अफसोस हो रहा था कि उसकी दवाइयों के कारण लोग मारे गए, इसलिए लीजा पुलिस के पास चली जाती है और लीजा पुलिस को बता देती है स्पीकर प्रोग्राम उसने ही चलवाया था और वो लोग डॉक्टर्स को पर्ची पर उनकी दवाई लिखने के लिए पैसा दिया करते थे। लीजा पीट एरिक और डॉक्टर नील का भी इन सब में शामिल होना बताती है। तब वो पुलिस ऑफिसर कहती है मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें जेल ना हो, लेकिन तुम्हारी गवाही से बस काम नहीं चलने वाला क्योंकि वो महंगे वकील हायर करके आसानी से बच जाएंगे। अगर डॉक्टर नील को सजा दिलवाना चाहती हो तो हमें डॉक्टर नील के खिलाफ कोई सबूत ला कर दो, कोई डॉक्यूमेंट, वॉइस मैसेज या ईमेल, किसी भी प्रकार का सबूत। तब लीजा कहती है ये तो बहुत मुश्किल है क्योंकि डॉक्टर नील रोजाना के काम नहीं देखा करते थे और आईपी होने के बाद से तो वो ऑफिस भी नहीं आते, हमें उनके घर जाना पड़ता है यदि कोई परमिशन लेना हो तो, और घर से बाहर मौजूद गार्ड हमसे मोबाइल और सारे गैजेट बाहर ही रखवा लेता है। हमें पेट को ईमेल करना पड़ता था और वो उसकी एक हॉट कॉपी बनाकर डॉक्टर नील के पास ले जाया करता था जिस पर वो मार्क किया करते थे, और बाद में पीट डॉक्टर नील का जवाब समझकर उस कॉपी को जला दिया करता था। तब वो पुलिस ऑफिसर कहती है क्या तुम हमें कुछ प्रिंटआउट्स लाकर दे सकते हो। तब लीजा एक प्रपोजल बनाकर पीट को देती है जिस पर डॉक्टर नील मार्किंग कर देते हैं। उसी शाम को सेल्स मीटिंग होने वाली थी और पीट वो पेपर वहां पर ले आता है लीजा को दिखाने के लिए कि डॉक्टर नील किस किस बात पर एग्री हुए है। पीट को परफॉर्मेंस देने जाना था इसलिए वो जल्दी जल्दी उस पेपर को कोट की जेब में रख देता है और वो स्टेज पर परफॉर्मेंस देने चला जाता है। लीजा के पास अच्छा मौका था और वो प्रिंटआउट को निकालकर ले जाने लगती है और तभी पार्किंग में पीट आ जाता है और वो लीजा से कहता है तुम कहाँ पर जा रही हो। तब लीजा कहती है फिबी की तबीयत खराब है, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। पीट समझ जाता है और वो लीजा के बैग से वो प्रिंटआउट निकाल लेता है। पीट लीजा से कहता है तुम ये जाकर पुलिस को देना चाहती थी तो मुझे भी धोखा देना चाहती हो। लीजा कहती है हमारी वजह से कई लोग मारे जा रहे और तुम अभी भी ये काम करना चाहते हो। पीट कहता है तो तुम्हारी इतने दिनों बाद नींद खुली, तुम किसी की नहीं हो सकती, भाड़ में जाओ। तब लीजा पीट को बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती है। आगे डॉक्टर नील और उनका वकील पीट को समझाते हैं तुम कबूल कर लो कि तुम भी इसमें शामिल थे, मैं वादा करता हूँ पीट तुम्हें पूरी जिंदगी पैसों की कमी नहीं होने दूंगा। आगे पीट अपने घर पर था तभी उसके घर पर उसे पुलिस पकड़ने आ जाती है और पुलिस उस कंपनी के सीईओ एरिक पैली को भी पकड़ लेती है। लीजा की बेटी का भी ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। नील से रिपोर्टर सवाल करती है क्या आपको इस बारे में कुछ नहीं पता था। तब डॉक्टर नील कहता है मैं बस इस कंपनी में एक इन्वेस्टर था, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और इन्वेस्टर होने के नाते कंपनी में क्या कुछ चल रहा है मैं इस बारे में नहीं जान सकता। आगे लीजा की मॉम भी लीजा और उसकी बेटी से मिलने आती है। तब लीजा के ध्यान में कुछ आता है और लीजा अपनी मॉम से कहती है मॉम जब आप डॉक्टर नील के साथ समय बिता रही थी तो क्या वो आपसे फोन पर बात करता था। तब लीजा की मॉम कहती है नहीं उसने मुझे कभी भी उसका फोन नंबर नहीं दिया, उसने मुझे एक बार उसका ईमेल आईडी लिख कर दिया था कॉन्टेक्ट करने के लिए और मेल करने के लिए मैंने उसे मेरा कमीशन बढ़ाने के लिए कहा था। ये सुनकर लीजा शॉक रह जाती है और अपनी मॉम के ईमेल चेक करने लगती है। तब कमीशन बढ़ाने के मामले में डॉक्टर नील ने लीजा की मॉम को रिप्लाई किया था। लीजा को डॉक्टर नील के खिलाफ सबूत मिल गया था कि डॉक्टर नील भी कंपनी के सारे लेनदेन में शामिल था। आगे डॉक्टर अपने घर के स्विमिंग पूल में नहा रहा था तभी वहां पर पुलिस आकर उसे अपने साथ पकड़कर ले जाती है। आगे लीजा पुलिस के सामने बैठी हुई थी और लीजा पुलिस से कहती है उस दवाई के कारण कई लोगों ने अपनों को खोया था। तब पुलिस कहती है लेकिन तुमने तो कहा था उस दवाई को खाने से 1% से भी कम रिस्क है। लीजा कहती है स्टडी में यही साबित हुआ था। आगे उस डॉक्टर को बुलाया जाता है जिसने लोनाफिन नाम की दवाई पर स्टडी की थी। तब डॉक्टर कहता है हाँ लोनाफिन मेडिसिन पर स्टडी मैंने ही की थी, हमने 2 साल तक 200 लोगों को लोनाफिन दवाई देकर क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में रखा था और दवाई से मरीज के मरने का सिर्फ एक ही केस दर्ज हुआ था।
पर ये सारी स्टडी सिर्फ फोर्थ स्टेज के कैंसर पेशेंट पे की गई थी और उन्हें डॉक्टर्स द्वारा दवाई का ओवरडोज भी नहीं दिया गया। इससे पहले कि पेशेंट को कैंसर की लत लगती, कैंसर पेशेंट कैंसर के कारण मारे गए। उनके ऊपर इस दवाई का लत लगने का खतरा बहुत ज्यादा था। लोनाफेन दवाई फेंटालिन है, कोई मजाक नहीं है जिसे हर किसी पेशेंट को दिया जाए। आगे कोर्ट में केस जाता है और जज डॉक्टर नेथन को 3 साल की सजा सुनाती है और एरिक को 16 महीने की सजा सुनाती है। पीट को 36 महीने की सजा सुनाई जाती है और डॉक्टर नील को 6.5 साल की सजा सुनाई जाती है। लीजा भी कोर्ट में कबूल करती है उसके पास पैसा नहीं था इसलिए उसने एक काम किया। तब पुलिस ऑफिसर भी लीजा की तरफ से उसकी सजा कम करने की मांग करती है क्योंकि लीजा ने इतने बड़े स्कैम को उजागर करने में और अपराधियों को पकड़वाने में पुलिस की हेल्प की थी। तब जज लीजा को सजा सुनाते कहती है, तुम पुलिस के पास आई और अपराधियों को पकड़वाने में हेल्प की, पर हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आपकी वजह से लोग मारे गए, इसलिए आपको भी 1 साल 3 महीने तक जेल में रहना पड़ेगा। जेल से निकलने के बाद लीजा अपनी पुरानी टीम के साथ मिलकर स्किन केयर प्रोडक्ट बेचने लगी थी और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।